अभीरा और रूही की दोस्ती पुदार हाउस में लेके आने वाली है कोई नया तूफान। वेल, अब ये देखना और जानना बेहद इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि एक तरफ है दादी सा जो अपने नियम और उसूलों की पूरी पक्की है, वहीं दूसरी तरफ है अबीरा जो हर काम को गड़बड़ और बड़बड़ करने में ही बिगाड़ देती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इनकी दोस्ती तो अब हो चुकी है, लेकिन अब क्या कौन सा ट्विस्ट आने वाला है सीरियल में? वेल, तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में क्या कुछ नया खास अपडेट मिलने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से जो दादी सा है वो रूही को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ और नहीं बल्कि वो ये कहती है कि विद्या और माधव की एनिवर्सरी है और तुम उससे एकदम सेपरेट तरीके से ऑर्गेनाइज करोगी और इसमें तुम जिसका भी साथ चाहती हो उसका साथ तुम दे सकती हो। वहीं रूही किसी और का नहीं बल्कि अरमान का नाम लेती है और जिसके बाद अरमान भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब इस सीरियल का लेटेस्ट ट्रैक सामने आ चुका है, देखा जा रहा है कि किस तरीके से अभीरा और रूही के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से दादी सा को दिक्कत हो रही, क्योंकि दादी सा रूही को एक तरफ बहुत संस्कारी मानती है तो दूसरी तरफ अभीरा को वो बहुत एडवांस मानती है, जिसकी वजह से उन्हें डर हर वक्त लगा रहता है कि अगर इनके में दोस्ती हो गई तो फिर अभीरा की तरह ही रूही बन जाएगी, जो कि दादी कभी नहीं चाहती। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि इनकी दोस्ती की शुरुआत से पहले ही घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाता है और जिसके वजह से दादी सा बहुत गुस्सा होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अब कैसे अरमान इन दोनों की दादी को गुस्से से बचाएगा, क्योंकि बार बार इनके बीच अरमान फंस जाता है, लेकिन इस बार वो क्या करने वाला है? वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे अपनी फेवरेट से एक अपडेट जानने के लिए देखते रहे फिल्म बेटा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पे हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।